नमस्कार, मीनूज जायका में आप सभी का स्वागत है। आज हम मीनूज जायका के किचन में बनाने वाले हैं गोभी का कीमा मटर के साथ। नाम भी बड़ा टेम्पटिंग सा है और खाने में तो ये टेम्पटिंग है ही, स्वादिष्ट है ही। आलू गोभी, गोभी मटर, ये सब सब्जियां खा करके हम बहुत बोर हो गए हैं, तो ये गोभी का कीमा मटर के साथ आप जरूर बनाइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गोभी का कीमा बनाने के लिए ये मैंने गोभी का फूल लिया है जिसके डंठल मैंने निकाल दिए हैं, और इसके ऊपर अब हम ये मैंने गर्म पानी कर लिया है जिसमें मैंने नमक डाल दिया, वो पानी डाल देंगे क्योंकि सबको पता है कि गोभी के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए ये गर्म पानी के अंदर पूरी गोभी हमारी डूब जाए इतना गर्म पानी डाल करके, और इसको हम 5-7 मिनट के लिए ढक करके रखते हैं। 5-7 मिनट गर्म पानी में रखने के बाद मैंने इस गोभी को रनिंग वाटर में वॉश कर लिया और अब इसे कॉटन के कपड़े पे मैंने निकाल लिया और इसका जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो हम इसमें अच्छे से इसको पोंछ करके सुखा लेंगे और 2-5 मिनट इसको ऐसे ही कपड़े के ऊपर रखा रहने देंगे। अब हम गोभी के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे, आप घी, तेल कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम इसको भूनते हैं गैस के ऊपर तो बटर लगाने से बहुत ही अच्छा सौंधापन आता है, तो ये हल्का सा मैंने इसके ऊपर बटर लगा दिया। अभी गैस पे जाली रख के और मैं इस गोभी को गैस के ऊपर भून लूंगी। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप डायरेक्ट बर्नर के ऊपर भी इसको भून सकते हैं, बस मीडियम टू लो हमें इसका फ्लेम रखना है गैस का। ये देखिए स्लो गैस के ऊपर हम इसको गोभी को घुमा घुमा करके और भून लेंगे। इसको हमें स्लो गैस पे भूनना है ताकि अंदर तक भून जाए। अगर तेज गैस रखेंगे तो बाहर से तो क्या होगा, ये काली पड़ जाएगी लेकिन अंदर से ये भून नहीं पाएगी और एक जो गोभी का सौंधापन हमें लाना है वो नहीं आ पाएगा। तो इस तरह इसको घुमा घुमा करके हम इसको भून लेंगे। ये देखिए स्लो गैस पे मैंने गोभी भून ली है, आगे से भी अच्छे से भून गई है और ये पीछे से भी, दोनों तरफ से घुमा घुमा के हम गोभी को अच्छे से भून लेंगे। अब इस गोभी को मैं प्लेट के अंदर निकाल दूंगी। अब ये 2 टमाटर मैंने बड़े साइज के लिए हैं, इनको भी हम इसी जाली के ऊपर रख करके और घुमा घुमा कर चारों तरफ से अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए गोभी हमारी ठंडी हो गई है, अब मैं ये जो थोड़ा सा काला काला हो गया है इसको खुरच करके हटा दूंगी। देखिए जो बहुत ज्यादा काला काला था उसको मैंने खुरच करके निकाल दिया। अब इसके फ्लोरेट्स जो है वो हम अलग कर लेंगे। अब इनको हम कद्दूकस कर लेंगे, अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये सारी गोभी को हम ग्रेट कर देंगे, या फिर अगर इलेक्ट्रिक चॉपर है अपने पास तो उस इलेक्ट्रिक चॉपर में भी, देखिए मैं उसमें भी आपको दिखा देती हूँ, ये छोटे छोटे इसको कट करके और डाल करके इसके अंदर भी हम इसको क्रश कर सकते हैं। गैस पर मैंने ये कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने एक बड़ा चम्मच तेल डाला है। अब मैं ये 1/2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ जीरा। जीरा भुन जाए हमारा, ये जीरा क्रैकल हो गया है। अब मैं इसमें ये 2 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये प्याज इसमें डाल करके हम इन प्याज को गुलाबी गुलाबी होने तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैंने ये 6-7 कलियां लहसुन की ली थी, 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था जिसका मैंने पेस्ट बना लिया। इस पेस्ट को हम इसके अंदर डाल देते हैं, इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट जो था वो भी भुन गया है। अब हम जो हमने 2 टमाटर गैस के ऊपर रोस्ट किए थे उसको मैंने मिक्सी में क्रश कर लिया है, वो टमाटर का पेस्ट डाल दिया। ये देखिए टमाटर भी हमारे रोस्ट हो गए। अब मैं इसमें सूखे मसाले डालती हूँ, ये मैं इसमें डाल दी हूँ 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ये सब आप अपने पसंद से, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 चम्मच के करीब मैं डाल दी नमक। ये सब मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब ये मसाले डाल करके और हम इसको मसालों को भी अच्छे से भून लेते हैं। तो मसाला हमारा भून रहा है, इसके साथ ही हम ये 1/2 कटोरी मटर के दाने डाल देते हैं। फ्रेश मटर है, आप फ्रोजन मटर भी डाल सकते हैं ताकि मसाले के साथ साथ ये हमारे मटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए दही भी भून गया है। ये मैं इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल दूँ और 1 चम्मच में डाल दूँ कसूरी मेथी। इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सब अच्छे से भुन गए, मटर भी हमारे काफी सॉफ्ट हो गए। अब ये जो गोभी हमने भुनी थी
ड्राई रोस्ट हमने जो करी थी इसको मैंने ग्रेट कर दिया। अब ग्रेटेड गोभी इसके अंदर हम डाल देंगे और इस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया, देखने में कितनी सुंदर लग रही है हमारी सब्जी। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच सिर्फ पानी डालूंगी और इसको ढक करके हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। इसको मैं ढक करके 2 मिनट के लिए सिम गैस के ऊपर इसको हम कुक कर लेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ये लिड हटा करके देख लेते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालते हैं कटा हुआ हरा धनिया और ये हमारा गोभी का मटर के साथ कीमा एकदम तैयार है। आलू गोभी, गोभी मटर सब खा के हम बहुत बोर हो गए हैं, तो आप ये गोभी की नई सब्जी जरूर बनाइएगा। देखने में भी सुंदर और टेस्टी तो है ही।